मैन मेड डिजास्टर। बक्सर के अंदर एक तरह के गरीब पर अत्याचार कतना गलत भइल बा एकर कोनो इतिहास में कहानी नहीं किया, कोनो बात नहीं हो सकी। जबकि आदमी अपना पड़ोसी के कंबल देता, ए समाज में ओकरा जिए के अधिकार नहीं है। हई लड़का जौन छोट बा एकर का गुनाह बा कि एकर घर उजाड़ दिया गई। आपदा बा, डिजास्टर, अंग्रेजी में कहा जाला मैन मेड डिजास्टर। ऐसा आपदा जिसको व्यक्ति के द्वारा किया जाता। एगो होला नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदा कहा जाला, बिजली गिर गई, बादल फाट गई, सब घर ध्वस्त हो गए, वो प्राकृतिक आपदा है, ओकरा कोई नहीं के रोक सके। लेकिन एगो ऐसा आपदा होला जौना के मनुष्य द्वारा निर्मित कहा जाला, वो आपदा एगो मनुष्य के सनक भरा दिमाग, एगो सीओ के दिमाग में अपना सनक भा जब सब कहानी सुन लो, कब जो कोनो तनासा सन की बदसा रहल ठीक नू जे घर द्वार उजाड़ के दूसरा जगह लेके चली गई, तो वो सही ऐजा के सीओ सनक सनक के ना हाथी सनक जला तो करा कुछ ना लुकेला। तो प्रियंका राय सीओ बड़ी है, तो उनकर सनक जौन बा वो सनक के प्रकोप रुवा सब के झेले पर और सारा लोग के उजाड़। जबकि सच्चाई बा कि हाई कोर्ट में केस बा, एगो कृष्णा सिंह नाम के व्यक्ति केस के लिए बना हाई कोर्ट में, 9 आदमी के अतिक्रमण हटावे के, 9 आदमी जो होने देवाल के किनारे बसल, ओकरा में हाई कोर्ट कहले बा, हाई कोर्ट में लोग केस हारत रहे, तो हाई कोर्ट से लोग डिसीजन लेके आए कि हमको इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि हम सीओ के यहाँ जा करके अपने वाद का हल कर सकें। हाई कोर्ट का अदालत के ठीक है, आप सीओ के यहाँ जाइए, और सीओ के विवेक पर ये निर्भर है, सीओ अपनी अदालत में ये वाद चलाए और ये तय करे कि व्यवहारिक स्थिति उस स्थल का क्या है, खाली कराना जरूरी है कि नहीं। ये सारा बात 7 आदमी का दिमाग, लेकिन सीओ हैजा से आके और 46 आदमी के नाम जोड़ दिले बड़ी, और जोड़ के सबका पवाद चला दिली, सब कोई पवाद चला के और सबके घर तुर दिली। हाईकोर्ट घर तुरे के आदेश ना दिल रहे, ये गलत बात। सीओ गाइड हाईकोर्ट गाइडलाइन दिला कि आप अपने यहाँ सुनवाई करिए, कार्रवाई करके वहाँ जो कर, लेकिन सीओ जे काफ़ी दिन से जब बाड़ी एक पहले भी गरीब पर जुलूम अत्याचार के उनका ऊपर आरोप बात जब हमने के पता कर लीजा, हमने के तो डुमराव विधानसभा के हम विधायक हैं, तो बक्सर हम बहुत कम आवे नहीं, अब बक्सर हम आवे नहीं तो अपन प्रशासनिक काम से आवे नहीं, डुमराव विधानसभा के ही काम से। लेकिन बक्सर के अंदर एक तरह के गरीब पर अत्याचार ए सीओ के द्वारा पहले से कल जा रहा बा, एकर जानकारी भी हमारा काल परसों के दरमियान जब हम पूरा जानकारी इकट्ठा करे के प्रयास करनी तो हमारा मिलल। हमने के कहनी जा कि ठीक भाई, कानून जरूर अतिक्रमण हटावे के आदेश देता, लेकिन उहे कानून यो कहता कि कोई के हटावे से पहले ओकरा के बसावे के, तब बसावे के व्यवस्था कहाँ भइल, कहीं बसावे के व्यवस्था ना भइल। ऐसे सीओ के कार्रवाई गलत बा आ गैर कानूनी बा, ओकरा पर जाँच होकर कार्रवाई होके चाहिए। और डीएम साहब हमने के आश्वस्त के लिए हाँ कि सीओ के ऊपर जांच कमेटी बैठी और ओकरा ऊपर कार्रवाई करी, लेकिन एजा से कार्रवाई से भी हमने के आगे भी जाए। हम कहनी कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाके हम बात करब, बहुत दुख भइल, एजा कोई एगो आम आदमी आई तो घटना के देख के अगर आँख अंगार हो जाए, पानी ना बचे, अगर पनिगर मर्द होई तो अगर पानी सूख के खून में तब्दील हो, ऐसा माजरा जवन बा आज आज़ादी के इतना दिन के बाद हमने के उम्मीद ना रहे कि हमने के देखा कि कतना गलत भइल बा एकर कोनो इतिहास में कहानी नहीं किया, कोनो बात नहीं हो सकी। कैसे अपने आदमी के बेघर कर जा सकेला बिना व्यवस्था के लिए एक कड़कड़ाता हुआ ठंड में, जबकि आदमी अपना पड़ोसी के कंबल देता, आदमी अपन पड़ोसी के व्यवस्था करता है, जब सबके उजाड़ दिया गुला कोनो व्यवस्था ना भाई। क्या मनुष्य के जिंदगी ए समाज में ओकरा जिए के अधिकार नहीं है, जरा भी कुछ नहीं है, सबको जन्म ले लबा। हमने के मध्यम वर्ग से बानी जा, हमने के एगो घर बा, मकान बा, दो 4 बीघा खेत खरिहान बा, लेकिन एहिजा आदमी के 90% आदमी के ना घर बा, ना खरिहान बा, ना खेत बा, ना मकान बा, कुछ नहीं। तो का जे धरती पर जन्म लसु कहाँ जाए, हई लड़का जौन छोट बा एकर का गुनाह बा कि एकर घर उजाड़ दिया गई, ये कौन पाप कैल,
ये पाप के लिए बानू कि गरीब के कोख में जन्म ले लेलस। तो क्या गरीब के कोख में जन्म लेवल पाप बसियो साहब खातिर? ऐसे साहेबगिरी ये जवन चलावे के प्रयास हो रहा था हमनी के पार्टी भाजपा माले आज तक कोई के साहेबगिरी नहीं के चले दिले। आ यही जो उनकर साहेबगिरी ना चली यह बात के गारंटी करे खातिर हमने कही तानाशाही शासन के बहुत खतरनाक बा। बड़का बड़का लोग झुक गेलन, बड़का बड़का लोग टूट गेलन, बर्बाद हो गेलन। सीओ के कहा ऐसे हमनी के लिखनी जा आई वादा बा अगला बार विधानसभा में भी हमनी के सवाल के मजबूती के साथ उठाई जा कि कैसे बिहार में नीतीश कुमार के नाक के नीचे सासारा में बड़ बड़ भाषण दिले बड़न कि न्याय विकास का राज चलता। वो न्याय विकास के जो नंगा नाच बा वो बक्सर में नहर के किनारे होता। ये शायद बात नीतीश कुमार के आंख तक नहीं पहुंच। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.